और बड़ी खबर आपको दे देते हैं, दोपहर 1 बजे शिवसेना कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम को भी आना चाहिए क्योंकि वे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लेकिन उनके इस बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। रामदास कदम से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वो जवाब टाल गए। रामदास कदम के बेटे योगेश कदम शिवसेना के विधायक हैं, लेकिन इस वक्त बागियों के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं महाराष्ट्र संकट को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में मंथन तेज होता हुआ चला जा रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर विपक्षी नेताओं के साथ बैठक। बीजेपी मन ही मन उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन सामने आकर कुछ बोलने को नहीं है तैयार। आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और बार बार उद्धव खेमे की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल ये जो महाशक्ति है वही शक्ति देने का काम कर रही है गुवाहाटी में बैठे हुए विधायकों को। इन सब के बीच संजय राउत की ओर से धमकी भरा बयान भी सामने आया है कि अगर एक इशारा लगे शिवसैनिक भड़के तो आग लग जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे रहे हैं। इन सब के बीच आपको बताते चले, 1 बजे शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जानी है अपने तमाम नेताओं के साथ। आगे क्या होगा शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम कर रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। गुवाहाटी से श्वेता सिंह हमारे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। आप रामदास कदम के बेटे जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं गुवाहाटी में श्वेता, और माना जा रहा है रामदास कदम फिर कैसे पहुंचेंगे? गोलमोल टाल गए जब सवाल उनसे पूछा गया कि कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए आप जाएंगे या नहीं। इससे ये पता चलता है कि शिंदे का खेमा हर गुजरते दिन के साथ कितना मजबूत होता हुआ चला जा रहा है उद्धव ठाकरे के सामने। इसमें दो चीजें हैं चित्रा जिसकी चर्चा होती है, एक वो कि जितने लोग आ रहे हैं क्या वाकई एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अगर कल जैसे दिलीप लांडे यहां पर पहुंचे जो कि अब से कुछ दिनों पहले तक आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे के बगल में बैठकर YouTube लाइव में नजर आ जाया करते थे, तो एक संशय सा भी यहां पर रहा कि कई ऐसे विधायक अगर आते हैं जो अभी तक उद्धव ठाकरे के मजबूत स्तंभ रहे थे या उनके मजबूत समर्थक रहे थे तो वो किस मंशा से आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गुट है भीतर जहां पर सुरक्षा की मौजूदगी के कारण कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी भीतर जाकर आसानी से उनसे बातचीत कर सकता है नहीं कर सकता है। तो जो सारे विधायक आ रहे हैं क्या वो आंकड़ा प्योर है? 38 अगर हम कह रहे हैं तो क्या वो आंकड़ा प्योर है? और साथ में एक और चीज मैं आपको चित्रा बताऊं यहाँ पे कि रोजाना यहाँ पर भले ही भारतीय जनता पार्टी खुलकर कुछ ना कहे लेकिन हेमंत बिस्व सरकार के जो अहम लोग हैं जो मंत्री हैं उनमें से कोई एक ना एक जरूर यहाँ पर भीतर जाता है, रोजाना उनमें से कोई ना कोई जाता है। अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर दाखिल हुए हैं असम सरकार के मंत्री। तो हमेशा हमेशा भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले को अच्छी तरीके से मॉनिटर कर रही है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो सिर्फ मेहमान नवाजी का जिक्र कर देते हैं, लेकिन उस मेहमान नवाजी के साथ एक राजनीति कितनी है वो भी समझ में आता है। इसीलिए अभी तो कुछ भी हो जाए और कोई भी आपको अचानक गुवाहाटी में नजर आ जाए तो अब तो आश्चर्य होना खत्म होने लगा है। लेकिन ये सारी चीजें जो है इस जो यहाँ पर जो मूल खेमा था उसमें भी आश्चर्य रहता है जो नाम यहाँ पर आते हैं, और साथ ही जो महाराष्ट्र में जो गतिविधियां इसके समानांतर हो जाती हैं वो भी उतनी ही आश्चर्यजनक हो जाती है। कब क्या हो जाए और मुंबई जाने के बाद कितने इतने बड़े सियासी ड्रामे पर अगर मासूम जवाब देने लगे नेता तो समझ में आ सकता है कि खिचड़ी क्या पक रही है।